भाजपा द्वारा बिजली बिलों में धांधली को लेकर प्रदेश व्यापी हल्ला बोल प्रदर्शन के तहत जमकर प्रदर्शन किया गया है और प्रदेश सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। वहीं तांथेड़ मंडल के जीएसएस पर भाजपा देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले कुछ महीनों में लगातार बिजली के बिलों में वृद्धि की है। इसका भार सीधा प्रदेश के 1,13,00,000 जनता पर पड़ रहा है। जनता परेशान है, लोगों के पास इस समय खाने पीने के सामान की व्यवस्था भी नहीं है और सरकार लगातार बिजली के बिलों में वृद्धि किए जा रही है और लोगों से अलग अलग चार्ज के रूप में डबल पैसा वसूल किया जा रहा है। वहीं झालावाड़ में भी भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन ने बताया है कि विद्युत विभाग द्वारा जारी बिजली के बिलों में फ्यूल व सेंडराइज्ड जैसे अनावश्यक चार्ज लगाकर बिजली बिलों को 2 गुना तक बढ़ा दिया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी द्वारा बिजली बिलों का भुगतान करना जेब पर भारी पड़ रहा है। विभाग की विजिलेंसी टीमें भी विद्युत छीजत के नाम पर नागरिकों के घरों में घुसकर गुंडागर्दी कर रही है। आम जनता की पार्टी है और लगातार बिजली की समस्या को लेकर हमने पिछले 2 महीनों से आंदोलन करा है, लेकिन कांग्रेस की जो इस प्रदेश में सरकार है ये जनता की सरकार नहीं है। इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी एक डेढ़ महीने तक भाड़े में रही सरकार, जनता त्रस्त है। उनके साथ जिस प्रकार की बदतमीजी और दादागिरी बिजली प्रशासन के अधिकारी राजस्थान कांग्रेस की सरकार का इशारे पर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घरों पर जाकर VCR भर रहे हैं, उसी का एक परिणाम आपको रिंचुआ में देखने को मिला। उधर भाजपा मंडाना मंडल अध्यक्ष हुकुम चंद शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं बिजली बिलों की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ विद्युत विभाग कार्यालय मंडाना में प्रदर्शन किया गया व ज्ञापन दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार कोरोना काल खंड के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 4 माह के बिजली के बिल माफ करे, फ्यूल चार्ज एवं स्थायी शुल्क के नाम पर की गई वृद्धि वापस ले, किसानों के बिजली बिल माफ करे, बिजली कटौती बंद करे, किसानों के अवैध VCR भरना बंद करे व किसानों की बंद की गई सब्सिडी को पुनः चालू किया जाए। कांग्रेस सरकार ने सरकार चुनाव के टाइम पे जो झूठे वादा करके बिजली में वृद्धि नहीं करेंगे वो जनता के साथ धोखा करके लगभग 20 महीने में 70 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी। झूठा वादा किया, लोगों के साथ धोखा किया, फ्यूल चार्ज 30 पैसे प्रति यूनिट का उसको बढ़ा के